दुश्मनाने नबी को बता दीजिए, दुश्मनाने नबी को बता दीजिए, आप में उन सबों को मिला दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए। तमाम आशिकाने रसूल को मेरा सलाम। तो मैं एक और वीडियो क्लिप लाया हूँ आप लोगों की बारगाह में, आप लोग इस क्लिप को देखेंगे किस तरह ये तारिक मसूद, ये शैतान, मैं इसी तरह बोलूंगा, ये शैतान तारिक मसूद किस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो हम लोग अल्लाह ने उनको अता किया है सारा चीज, हम उनसे मांगते हैं तो हमारे नबी दे भी सकते हैं, तो इस तरह का जो हम लोग अकीदा रखते हैं तो ये इसको गलत समझता है। और जब यह गलत समझता है, हालांकि इसके किताबों में लिखा हुआ है कुछ और ये लोग अपने मुंह से कुछ और बोलता है, तो ये मुनाफिक है, सबसे बड़ा मुनाफिक है ये लोग, ऐसे लोग मुनाफिक होता है सबसे बड़ा, पीछे में कुछ और कहेगा, सामने से कुछ और कहेगा, लेकिन हकीकत कुछ और रहता है। तो ये ऐसे लोगों से आप लोग बचे, मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा, क्योंकि जब हम इन लोगों का रद्द करते हैं, जब हमारे आलिम इन लोगों का रद्द करता है, तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, कुछ लोगों का क्या, ये वहाबी देवबंदी को ही बुरा लगता है, और फिर जब दलील सब सही तरीके से देते हैं तब वहां पे जाके ये बोलता है कि देखो मुसलमान परेशान है यार, हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे कमीनों शैतानों, आपस में हम कहां लड़ रहे हैं, लड़ाने का काम तो तुम लोग किए हो, हमारा तुम्हारा जाति मामला नहीं है, हमारा जो तुम्हारा मामला है, तुम जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हो, तुम जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हो, तुम जो औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी करते हो, तब जाके हम तुम लोग जवाब देते हैं, तो तुम लोग बोलते हो हम लड़ते हैं। तो मुसलमानों, हम लोग इससे लड़ते हैं इसी बात पे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, हमारे सहाबा की शान में गुस्ताखी किया, हमारे औलिया की शान में गुस्ताखी किया, तभी हम लोग इससे लड़ते हैं, हमारा कोई झगड़ा इसका आपस झगड़ा नहीं है और नहीं कोई जाति मामला है। तो इस तरह का ये तारिक मसूद शैतान बोलता है, इसका बहुत सारा क्लिप है, इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे लाऊंगा आप लोगों के बीच, और आप लोग ऐसे लोगों पे लानत भेजे और कमेंट में लिखा कीजिए। और हमारे आलिम है, श्रीलंका के रहने वाले हैं, मौलाना एहसान रजा कादरी साहब, और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको इल्म और अमल में बहुत बेपनाह बरकत दे, आप लोग आमीन जरूर लिखे, और उन्होंने ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा रद्द किए हैं, मैं उनका क्लिप एक एक करके लाऊंगा आप लोगों के बीच, और इतनी बेहतरीन तरीके से जवाब दिए हैं, आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो पहले इस शैतान मरदूद का क्लिप सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं एहसान रजा कादरी साहब का वो क्लिप सुनाऊंगा, और आप लोग कमेंट में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखे, और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम सुन्नी मुसलमान भाइयों को सलामत रखे और उनकी ईमान की हिफाजत अता करे, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। सुनिए इस शैतान की वीडियो। एक आदमी अपनी बात की खुद तावील के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहा है भाई मैं नबी को मुश्किल कुशा समझता हूँ, हाजत रवा समझ, भाई इसका मतलब बता दे, हाजत रवा का शायद मतलब ये हो कि कुछ भी कुछ खींचतान के निकाल लो। वो कह रहे नहीं, अल्लाह ने अपने नबी को इख्तियारात दे दिए हैं कि वो जब चाहे जिसकी चाहे मदद कर सकते हैं। तो भाई अब वो तो खुद अपनी बात की तावील नहीं कर रहा ना, तो हम कैसे उसकी खींचतान के ले आए उसको। आप किसी को ये समझ के कि अल्लाह ने इसको माफ़ौकल असबाब इख्तियारात दे दिए हैं, ये समझ के जब आप किसी से मांगते हैं तो ये दुआ है, ये वो पुलिस वाली हेल्पलाइन नहीं है कि लोग कहते हैं पुलिस से मदद मांगना जब शिर्क नहीं है, है भाई, तो बुजुर्गों से मदद मांगना कहां से शिर्क हो गया भाई, पुलिस की मदद असबाब के तहत होती है। सबसे पहली बात तो ये कि जो चीज हमारे लिए माफ़ौकल असबाब है, उस चीज को लेकर ये कहना कि अंबिया के लिए भी माफ़ौकल असबाब है, ये जहालत है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के बारे में फरमाया, जैसा कि हदीस कुदसी है बुखारी शरीफ में, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस तरह फरमाना कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, जबकि अल्लाह आंख से पाक है, कान बन जाता है जिससे वो सुनता है जबकि अल्लाह कान से पाक है, इसी तरह हाथ और पैर का भी जिक्र है। तो अब मुहद्दिसुन ने क्या फरमाया, अल्लाह उनकी आंखों में ऐसी ताकत अता फरमा देता है, कानों में ऐसी क़ुव्वत समाअत अता फरमाता है, हाथ और पैर में ऐसी ताकत अता फरमाता है कि वो कुछ कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते।
तो यहाँ हमारे लिए जो मा फौकल असबाब की बात है उसको हम अंबिया और औलिया पर मुआजना नहीं कर सकते। जब औलिया की ये शान है तो अंबिया किराम की शान तो अरफा व आला है, और इस पर कई दलाइल मौजूद। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई जन्नत मांगे तो आप ये कहेंगे कि ये मेरे तहत में नहीं है, ये फौकल असबाब में से है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने जन्नत मांगी, जैसा कि हज़रत रबिया का भी वाकया है, हुजूर ने अव गैर ज़ालिका फरमाया, और भी कुछ चाहिए? तो ये जो तुम्हारे लिए मा फौकल असबाब है ये अंबिया किराम के लिए नहीं है। और रही बात आपका ये कहना कि वो खुद ब खुद ही दायरा इस्लाम से खारिज हो गया इस तरह का अकीदा रख कर, तो ठीक है, आपके ऐसे कहने पर हम आपसे मुतालबा करते हैं, क्या आप उन तमाम देवबंदियों को और बिलखसूस अशरफ अली थानवी को जिन्होंने ये किताब लिखी इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, थानवी साहब ने इसको लिखा है और उसमें एक वाकया नकल करते हैं, फिर साहब का तस्करा करते हुए लिखते हैं कि एक शख्स के बारे में ये बताया गया कि बाद इंतकाल हज़रत की यानी पीर साहब की मज़ार शरीफ पर अर्ज़ किया ये कि हज़रत मैं बहुत परेशान हूँ, रोटियों का हाजतमंद हूँ, कुछ दस्तगीरी फरमा दीजिए। किससे कह रहे हैं? पीर साहब से। कहाँ पर? उनके मज़ार पे जाके कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, भूखा भी हूँ, दस्तगीरी फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। और आगे लिखते हैं कि हुक्म हुआ तुमको हमारे मज़ार पर रोज़ाना दो आना या आधा आना मिलता रहेगा, रोज़ाना मिलता रहेगा। अब आगे क्या हुआ कि ये फरमाते हैं, यानी मुसन्निफ थानवी साहब फरमाते हैं कि मैं जब मज़ार पे गया तो उस शख्स को वहाँ पर पाया और उसने पूरी कैफियत के साथ ये बात बताई कि रोज़ाना इसको पैसे मिलते हैं। और बाद में क्या लिखते हैं कि ये करामत में से है। अल्लाह अकबर। ये नहीं कहा कि किसी और ने रख दिया होगा, बल्कि करामत को साबित किया यहाँ पर पीर साहब की। तो अब मुझे बताइए, क्या कब्र के अंदर रहकर लोगों को पैसा देना ये मा फौकल असबाब है या तहतल असबाब के ज़ुमरे में आता है? अगर आपके हिसाब से ये शिर्क है, जैसा कि आपने कहा कि इस तरह अंबिया और औलिया पर अकीदा रखने वाले दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, तो अशरफ अली थानवी साहब को भी आप काफिर कह दीजिए ना। इसी तरह जिन जिन लोगों ने इस किताब को छापा है, देवबंद से छपी है, छापने वालों को भी काफिर कह दीजिए। तब देखते हैं कि आपके अंदर कितनी जुर्म